नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बिल्कुल भी धार दे रहे होंगे। ऐसे में आपको पता है आज से आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम बता देते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के महामैराथन के साथ साथ आपका बेसिक क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैथ का और साइंस का बिल्कुल कंप्लीट है और एसएसटी का भी बेसिक क्लास कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आज से कुरुकुरे राजन सीरीज स्टार्ट होगा, आपको पहला यह महामैराथन होगा। लगभग 175 क्वेश्चन के आसपास में जितने एमसीक्यू उसको करेंगे आज, फिर कल आपका अखिलक उत्तरी कर लिया जाएगा। ऐसे में हमको लगेगा डिटेल में बताना चाहिए आपको, तो डिटेल में बताएंगे। एक घंटे तक हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे आप। जहाँ जहाँ शेयर करना है फटाफट 5 मिनट में शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप बिल्कुल बेस्ट कर सकें। हाँ, आप लोग जो एडमिट कार्ड हैं 2 दिन या लगभग 1 दिन पहले ही एग्जाम के दिया जाता है, तो आप लोग जाकर संपर्क करके ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय जो जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, आपने सुना होगा, जो कि भारत जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होते हैं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते हैं, तो बता देंगे लॉर्ड कौन सा, माउंटबेटन, ये रहता है ना लॉर्ड माउंटबेटन, यही रहता है ना भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंक होता है, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड माउंटबेटन तो लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया रहता है ना विदेशी रूप में, और पहला सीराज गोपालाचारी रहते हैं, भारतीय रहते हैं, आपको पता होना चाहिए सारी बातें। पहला वायसराय कौन रहता है भारत का, बताएंगे लॉर्ड कैनिंग ही रहता है, जो कि पहला वायसराय होता है और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है भाई, जिसमें 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है ना, इसके बाद गार्डन सिटी कहाँ पर है भाई, बता देंगे USA में है, अमेरिका में है, याद रखेंगे। इसके बाद अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए भाई, अफ्रीका में ही सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल है, आपको पता है कि हमारा अफ्रीका जो है साथी, यह अफ्रीका है इस प्रकार से, अफ्रीका यहाँ पर ऐसे है, अफ्रीका यहाँ पर देखेंगे तो आपका आपका पड़ जाता है सबसे बड़ा मेडागास्कर द्वीप है ना, यहाँ मेडागास्कर द्वीप, यहाँ पर आपका क्या मालदीव है, मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और मालदीव हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप है, याद रखेंगे। मेडागास्कर अफ्रीका में पड़ता है और यह पड़ जाता है आपका एशिया वाले क्षेत्र में, यह पूरा का पूरा हिंद महासागर का इलाका है, इधर आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, यहीं पर आपका पूरा का पूरा पड़ जाता है साथी, सहारा मरुस्थल आपको पता होना चाहिए, यहीं पर आपको मेडिटेरियन सी पड़ता है ना, यहाँ पर नील नदी पड़ जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर स्पेन और इधर मोरक्को पड़ जाता है, जो कि अफ्रीका और कह लीजिए कि यूरोप को कनेक्ट करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी गार्डन सिटी कहाँ पर भी बता देंगे, USA में है, अफ्रीका में का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए सहारा है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है थार मरुस्थल, ये भी याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति वाइकिंग थे, याद रखेंगे वाइकिंग, याद रखेंगे भाई, भारत का ऐसा व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष यात्री के रूप में गया था, याद रखेंगे 1969 में गया था ना, क्या नाम है उनका, राकेश शर्मा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भैया एशिया महाद्वीप, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, याद रखना है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो याद देखेंगे चाइना, रूस मत लगा कर रहिएगा, रूस तो यूरोप के माध्यम से जाना जाता है, यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है आपका रूस, लेकिन यूरोप का सबसे बड़े कंट्री के रूप में रूस जाना जाता है और एशिया के सबसे बड़े कंट्री के रूप में हमारा मतलब हमारा क्या चाइना जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का जो दोस्तों कह लीजिए कि एक तरह से सबसे बड़ा गहरा खाई है, उसको किस नाम से जाना जाता है, आप लोग खुद बताइएगा, मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा खाई कौन है भाई, सुंडा गर्त, जो कि इंडोनेशिया के पास स्थित है। इसके बाद आ जाते हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें मिट गया है क्वेश्चन, नहीं तो फिर बता देते, बोला इसमें कुछ लिखा हुआ है ऐसा कि जो कि इरेज हो चुका है, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है, जो कि हमारे उत्तर में स्थित है, जापान, जापान का कैपिटल टोक्यो, याद रखेंगे साथियों, टोक्यो करे भाई, काठमांडू ही पड़ेगा ना, काठमांडू जापान का कैपिटल क्या है, सॉरी जापान है सूर्योदय देश, टोक्यो पड़ता है, नेपाल हमारे उत्तर में स्थित है ना, और जापान में 4 द्वीप भी स्थित हैं, 4 द्वीप कौन कौन से, शिकोकु, क्यूशू, इस तरह है ना, 4 हैं, 4 द्वीप भी स्थित हैं, चारों द्वीप से मिलकर मेजर द्वीप हैं, जैसे बहुत सारे द्वीप यहाँ पे जापान में स्थित हैं, मेजर द्वीप 4 आ जाते हैं, शिकोकु, क्यूशू, इस तरह 4 हैं साथी, अभी हम बता देते हैं इसको। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है भाई, मुंबई को कहा जाता है, याद रखेंगे। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, कौन बता सकता है, फटाफट बता दीजिए किस द्वीप पर स्थित है। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है भाई, एशिया के पेरिस के नाम से थाईलैंड, जिसका कैपिटल है बैंकॉक, याद रखेंगे। मेरियाना ग्रंथ का संबंध है भाई, अभी बताया गया मेरियाना ग्रंथ किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है।
विश्व का सर्वाधिक डाकघर किस देश में स्थित है, या फिर डाकघर का देश कहा जाता है भारत को कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतें कहाँ पर स्थित हैं, बता देंगे यूएसए में स्थित है, साथ ही याद रहेंगे, है ना। इस तरह से बहुत सारे हैं, कुछ चीज़ें इसमें इरेज हो चुकी हैं। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, हाँ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भाई, राष्ट्रपति होता है हमारा, याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी बिल पास करना होता है तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति के, मतलब कोई बिल बनाना होता है तो संसद बनाती है, और पास करना होता है तो राष्ट्रपति की मोहर आवश्यकता होती है। जब तक वह राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं कर देते हैं तब तक वह बिल के रूप में जाना जाता है। जैसे राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, इस बात को याद रखेंगे। कानून बनाता है कौन, हमारा संसद, और उसकी अनुमति कौन देता है, हमारे राष्ट्रपति, और चलाने का काम कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, इस बात को याद रखेंगे। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, कितनी है इस समय, 552 है, लेकिन अगर कहा जाए लोकसभा में, जो अगर एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम था तो वो खत्म कर दिया गया है ना, याद रखेंगे 105वें संविधान संशोधन से खत्म कर दिया गया उसे, इस बार लोकसभा में भी और विधानसभा में, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की बात होती थी हमेशा और लोकसभा में दो, तो उसको खत्म कर दिया गया 105वें संविधान संशोधन से। अब एंग्लो इंडियन लोकसभा में नहीं, केवल राज्यसभा में 12 होते हैं, इस बात को याद रखना है, जो कि राष्ट्रपति की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पर इनको चयन किया जाता है, यह बात याद रखेंगे। अगर कहा जाता है इस समय लोकसभा में कितनी सीट है तो 543 सीट है, इस बात को याद रखना है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, याद रखेंगे साथ ही, जिसमें कि 238 प्लस 12 जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। सर्वोच्च, एंग्लो इंडियन का मतलब यह हो गया साथी, जैसे कि किसी भी खेल, एंग्लो इंडियन क्या कह लीजिए, मनोरंजन के क्षेत्र से, या फिर खेल, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, प्लस इधर मतलब जो भी हमारे कह लीजिए कि जो खेल हो गए, जो गाना बजाना हो गया, जो ऐसी प्रारूप हो गया भारत में जो कि भारत उसको बढ़ावा देना चाहता है, उस फील्ड से जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होते हैं उनको लाकर राज्यसभा में बैठाया जाता है, याद रखेंगे। लेकिन 60 दिन तक अगर लगातार कोई नहीं जाता है राज्यसभा में, कोई सांसद अगर 60 दिन तक, 60 यानी 2 महीने तक नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, इस बात को याद रखना, बिना बताए नहीं गायब होना है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित, भाई सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, याद रखना है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद कभी खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति के पद जैसे ही खाली होता है, जो एम वेंकैया नायडू हैं, अभी 2-3 महीने बाद चुनाव भी होगा हमारे राष्ट्रपति का, और इस बार राष्ट्रपति का मुख मतलब चेहरा देखकर आप लोग तंग रह जाएंगे, कदापि, बहुत मजा, मतलब ये बहुत सोचे भी नहीं होंगे वो ऐसा चेहरा होगा, ठीक है ना। माननीय सुश्री मायावती जी, है ना, हम बता देते हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसके माध्यम से पता चल जाता है, तो इसके बाद आप लोग दंग रह गए होंगे हमें पता है, लेकिन यही बनने वाली हैं आपके अगला राष्ट्रपति, मे बी पूरा पॉसिबिलिटी है यही बनेगी। इसके बाद साथी आपको पता है जब राष्ट्रपति की सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर भरा जाना भी अनिवार्य होता है। अगर मान लीजिए तुरंत राष्ट्रपति की कुछ भी हो जाए, देहांत हो जाए, भी कुछ भी हो, कोई घटना घट जाए उनके साथ, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनको बनाया जाता है तब तक के लिए जब तक नया कोई राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। वह बिल्कुल भाई वैसे ही कार्य करेंगे जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति कार्य करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो उस कंडीशन में मुख्य न्यायाधीश आते हैं, हमारे राष्ट्रपति का पद संभालते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के, यानी कि आपके सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, यह बात आपको याद होना चाहिए। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है, निम्न हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया भाई, पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स में 2 क्लास हमने पढ़ाया है, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, मतलब सब कुछ बता रखा है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, है ना, सब कुछ बताया है, आप देख लेंगे, 2 ही वीडियो बनाया है, लेकिन ऐसे वैसे वर्ड आपको हर जगह मिलेंगे। निम्न में प्रत्यक्ष कर नहीं है, निम्न में प्रत्यक्ष कर की बात करेगा तो मनोरंजन कर आप खुद बताइएगा, भूमि कर, निगम कर, आयकर, 4 ऑप्शन है, भूमि कर, निगम कर, आयकर, मनोरंजन कर, क्या इसमें से प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो बता देंगे मनोरंजन कर जो है वह प्रत्यक्ष कर नहीं है, मनोरंजन कर प्रत्यक्ष कर में नहीं आता है, इस बात को याद रखेंगे आप। इसके बाद आ जाता है साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, लोकसभा अध्यक्ष का पूछे चाहे राज्यसभा का पूछे, याद रखेंगे 5 वर्ष का ही होता है साथी, है ना, याद रखेंगे। लेकिन लोकसभा विघटित हो सकता है, राज्यसभा विघटित नहीं होता है, याद रखेंगे, आपसे ऑप्शन दे देगा, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, तीनों में से कौन विघटित हो सकता है, याद रखेंगे विधान परिषद भी विघटित हो सकता है, लोकसभा भी विघटित हो सकता है। विघटन होने का मतलब है अगर मान लीजिए लोकसभा ऑप्शन में नहीं है तो बोल देगा विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, तो बता देंगे विधान परिषद को हटाया जा सकता है, क्योंकि विधान परिषद तभी बनता है जब विधानसभा चाहती है, तो याद रखेंगे विधानसभा, विधान परिषद हर एक राज्य में भी नहीं है, मात्र 6 राज्य में है, कौन कौन से बता देंगे, यूपी बिहार, नीचे आ जाएंगे तो महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटक, इसके बाद इधर आ जाएंगे तेलंगाना,
और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इन्हीं छह राज्य में है। एक राज्य में बनाने की भी बात हो रही है उड़ीसा में, और आंध्र प्रदेश से हटाने की भी बात हो रही है। देखते हैं क्या होता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक हमेशा और हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होता है, इस बात को याद रखेंगे। 14 दिन की अनुमति के लिए जाता है राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा चाहे उस पर कुछ रोकने टोकने की बात करे, चाहे कुछ भी बोले, सलाह दे या ना दे, वह वापस आता है और मान्य हो जाता है। दीन इलाही की स्थापना 1582 में किसने की थी? पहले बता दीजिए, दीन इलाही की स्थापना कब हुआ था? 1582 में हुआ था। अब आपको यहाँ पे तय कर लेना है कौन उस समय हमारे मुगल शासक थे। सबसे पहला मुगल शासक बाबर होता है। बाबर की सबसे पहली लड़ाई होती है भारत में 1519 में, याद रखना भाई, 1526 पानीपत की लड़ाई नहीं, 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है बाबर का, याद रखेंगे। 1527, 1527, 1527, 1528, 1529 ये तीनों लगातार लड़ाई होती है, चारों लगातार होता है, लेकिन इनकी पहली लड़ाई जो होती है 1519 का होता है भारत में, याद रखेंगे आप। कोई किला होता है उसको जीतते हैं, भागेर का किला ऐसा कुछ नाम होता है। 1526 में पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराते हैं, और 1527 में राणा सांगा को हराते हैं, याद रखेंगे। पानीपिया खानवा की लड़ाई होती है, और 1528 में घाघरा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई होती है, चंदेरी की लड़ाई होती है 1528 में, मादनी राय से होता है। मादनी राय जो होते हैं राणा सांगा के दोस्त होते हैं, राणा सांगा को हराने के बाद यह तुरंत मादनी राय को हराते हैं, याद रखेंगे बाबर। इसके बाद 1529 में, और इस वाले लड़ाई में जो आपका यह लड़ाई होता है मादनी राय के साथ होता है, इसका नाम कौन सा होता है? चंदेरी की लड़ाई, चंदावर की नहीं, चंदावर की लड़ाई नहीं भाई, चंदेरी, याद रखेंगे चंदेरी, चंदावर दूसरी लड़ाई है, चंदेरी की लड़ाई होती है। इसमें जो अफगान शासक होता है, जो शेर खां होता है ना, क्या नाम है, अफगान शासक होता है जो कि बहादुर खां के नाम से जाना जाता है, जो कि हुमायूं को बहुत पटक पटक के मारा था, शेर बहादुर करके उसको जाना जाता है, शेर बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है शायद, शेर शाह सूरी ऐसे कुछ नाम होता है ना उसका, जिसको बाद में शेर खां के नाम से जाना गया, तो शेर खां ही बुलाया जाता था। उसके जो लोहानी करके थे, उसका अंगरक्षक बना हुआ था। तो याद रखेंगे 1528 में उसका साथ देता है शेर खां, और 1529 में इसके विपरीत ही लड़ाई करता है, क्योंकि 1529 में जो बाबर होते हैं वो पूरे अफगान शासकों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देते हैं। तो ऐसे में जो अफगान शासक शेर खां होता है वो अपने ही साथियों का साथ देता है और सहायता करता है और बाबर के विरुद्ध लड़ाई करता है। तो याद रखेंगे आपसे क्या पूछा गया, दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था 1582 में। जजिया कर का स्थापना कब हुआ था? 1563 में हुआ था। कौन किया था भाई, बता देंगे, जजिया कर किसने हटाया था बता दीजिए भाई, वही अकबर ने हटाया था। आपको पता है कि धायमा पेटिकोट शासन, उसकी धायमा जब मर जाती हैं तो उसके बाद पेटिकोट शासन वो स्टार्ट कर देता है, उसको बाद में पता चलता है अकबर को, हाँ हम किस नरक में थे, अब किस नरक से हम बाहर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ हमने बता रखा है सेपरेट वीडियो में। इसके बाद आ जाता है बाबरनामा किसकी प्रसिद्धि, मतलब प्रसिद्ध है, बता देंगे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उसका बाबर हो जाएगा, बाबरनामा बाबर के लिए प्रसिद्ध है। अकबरनामा की कृति किसने लिखा था? अकबरनामा अफुल फजल ने लिखा था, याद रखेंगे साथी। हुमायूं के लिए क्या लिखा है, हुमायूं का ऐसा कुछ लिखा है, देखिए मिट इरेज हो गया है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था भाई, याद रखेंगे मुगल वंश का संस्थापक बाबर रहता है। ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण कराया गया था, भैया ताजमहल का निर्माण तो पता चल जाएगा और इसी तरह लाल किला भी पता चल जाएगा शाहजहां, याद रखेंगे। आयने अकबरी किसकी रचना है, आयने अकबरी किसकी रचना है, अबुल फजल की रचना, अबुल फजल की रचना है ना, याद रखेंगे आयने अकबरी अबुल फजल की रचना है। मुगल काल का प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था, मुगल काल का प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था, तो बता देंगे तानसेन था भाई, याद रखेंगे तानसेन मुगल काल का प्रसिद्ध संगीतकार था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही सुर में गाता था, पता है कभी कभी बारिश भी हो जाया करती थी इनके गाने में। रामचरितमानस की रचना कौन, रचनाकार कौन है, बता देंगे भाई रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आप बता देंगे महाभारत को क्या कहा जाता था, महाभारत को किस नाम से और जाना जाता था, फटाफट बक दीजिए, महाभारत को किस और नाम से, जय संहिता के नाम से जाना जाता था क्या, जय संहिता के नाम से जाना जाता था क्या, बताइएगा फटाफट। और जो आपका यह क्या बोलते हैं, जो भारत का प्रतीक चिन्ह लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है क्या, मुंडको उपनिषद से लिया गया है क्या, मुंडको उपनिषद कहाँ पर है, याद रखेंगे बताइएगा, बिहार में स्थित है, बिहार में लुम्बिनी में स्थित है, या फिर हमारे यहाँ पर सारनाथ में स्थित है, बताइएगा फटाफट बताइएगा भाई। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था, शाहजहां ने करवाया था, तानसेन ने, बाबर ने, किसने कराया था, तो बता देंगे अकबर ने कराया था भाई। मुगलों का सेना व्यवस्था का नाम बताइए, मुगलों की जो सेना व्यवस्था थी उसको किस नाम से जाना जाता था, बता देंगे मनसबदारी पद्धति के नाम से जाना जाता था भाई, याद रखेंगे। मुगल शासन में खालिसा शब्द तात्पर्य था, जो मुगल शासन था उसमें खालिसा शब्द का मतलब साफ साफ था साथी, कि वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता है उसे क्या कहा जाता था, खालिसा पंथ, वह भूमि
जहाँ से पहले शाही पत्र के लिए लगान वसूला जाता था। साथ ही हम आपको बता देते हैं सिख गुरु जो 10 के 10 सिख गुरु थे उसके नाम याद रख लेंगे, आप बहुत ट्रिक से बताया गया, उसका प्लेलिस्ट में आपको जाकर मिल जाएगा। सबसे पहले गुरु नानक थे, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं आपको बताने का, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 10 गुरु थे क्योंकि अभी उनका प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले गुरु नानक थे, नानक, फिर अंगद थे, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास की ही बेटी थी बीबी भानी जिसको अकबर ने 100 बीघा जमीन दिया था, 500 बीघा। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव को ही जो जहांगीर होता है, शाहजहां होता है, फांसी दिया था ना, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, देखिए गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गुरु तेग, गुरु क्या नाम है, गुरु इस तरह से हैं, बाद में आ जाता है गुरु तेग बहादुर के बाद 2 गुरु और हैं, 2-3 गुरु, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु देखिए भाई इसी तरह है। लास्ट में आपको पता है कि गुरु नानक के बाद गुरु गोविंद सिंह आते हैं लास्ट में, इन्होंने ही गुरु गोविंद सिंह ने ही गुरु गोविंद सिंह ने ही एक तरह से आप कह लीजिए गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा आपको 5 कड़ा मतलब 5 क की स्थापना हुई थी। गुरु तेग बहादुर, गुरु देखिए भाई गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग, गुरु अंजुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु इस तरह और है भाई 2-3 हैं, देखिए नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह हो गया, गुरु गोविंद सिंह वो तो लास्ट में थे, गुरु तेग बहादुर ये तो 9वें गुरु थे ना इसके पहले, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु देखिए भाई गुरु गोविंद, अभी हम याद आता है सारी बता देते हैं आपको, क्रम से याद कर लेंगे, हमने बताया था, एक ट्रिक भी बताया था इस पर हमने, नानक देव, अंगद देव, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर हैं लास्ट में, गुरु तेग बहादुर, गुरु अमरदास, हाँ याद आ गया, गुरु अमरदास तो हो गया भैया, गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु इस तरह करके है ना, देखिए भाई तीनों का नाम एक ही तरह है, इस वजह से थोड़ा सा स्किप कर रहा है दिमाग से, आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा, अभी नहीं तो याद आएगा, दिमाग में है, स्थित है दिमाग में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, भाई पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो बता देंगे भैया मनोहर करके था एक व्यक्ति जो कि पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, मनोहर याद रख लेंगे। इसके बाद शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, भाई शिवाजी का उत्तराधिकारी बहुत बार पूछा जाता है, संभाजी थे, है ना, याद रखेंगे संभाजी, राजा राम नहीं थे, याद रखेंगे संभाजी थे भाई, याद रखेंगे, शिवाजी सेकेंड भी नहीं थे, याद रखना है आपको संभाजी। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाया था, भाई शाहजहां, याद रखेंगे शाहजहां। औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर जो व्यापारिक जहाज़ों का मालिक था, जो औरंगजेब के समय प्रमुख अमीर जो कि व्यापारिक जहाज़ों का मालिक हुआ करता था उसका नाम बताना है आपको, मीर जुमला करके नाम था उसका, मीर जुमला याद रख लेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है, मीर जुमला, मीर जुमला, देखिए भाई इसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा है हमको। आगे देखिए कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, भाई याद रखेंगे DCKS देवरा की लड़ाई, देवरा की लड़ाई, डी कन्नौज, देवरा के बाद चौसा की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई और सरहिंद, सरहिंद की लड़ाई और मच्छीवाड़ा की लड़ाई जो होता है एक तरह से कह लीजिए कि जो आपका शेर शाह सूरी होता है, शेर शाह सूरी उसके वंशज के साथ होता है, हुमायूं जब वापस आता है लौटकर 1555 में, यह होता है सरहिंद मतलब कि मच्छीवाड़ा की लड़ाई। इसके बाद सरहिंद की लड़ाई भी उसी समय होता है, याद रखेंगे ये कन्नौज की लड़ाई है 1540 में, इसे बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं 1540 में, और इसी समय हुमायूं पूरा एक तरह से निकाल दिया गया था, भगा दिया गया था पूरे देश से, दिल्ली से। इसके बाद यह कन्नौज की लड़ाई, कन्नौज का बस यह आपका चौसा की लड़ाई है, चौसा जो चौसा की लड़ाई हुआ था 1500 कब हुआ था, 1539 में हुआ था, इसमें भी मारा गया था हुमायूं लेकिन फिर से बाद में वापस आ गया था। सिविल सेवा परीक्षा किसने किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, तो बता देंगे भैया लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सिविल सेवा मतलब कि शासनकाल में प्रारंभ हो गया, लॉर्ड वेलेजली। अगर आपसे पूछा जाता है सिविल सेवा सबसे पहले किस देश में लगाया स्टार्ट हुआ, तो बता देंगे भाई वही जो कि सबसे पहले कागज बनाया था, वही जो सबसे पहले सिविल सेवा स्टार्ट किया था जिसका नाम है चीन। लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी, तो लॉर्ड वेलेजली ने बेसिन की संधि की थी ना भाई पेशवाओं के साथ, याद रखेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताया गया भाई बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था, याद रखेंगे। भारत का विलियम बेंटिंक था, याद रखेंगे विलियम बेंटिंक था भारत का। लॉर्ड माउंटबेटन बता दिए थे क्या, नहीं भाई लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, विलियम बेंटिंक था, विलियम बेंटिंक 1828 में जो आता है 1828 राजा राम मोहन राय के समय,
1828 में आता है और लगभग 1835 तक रहता है। याद रखेंगे 1833 के अधिनियम द्वारा उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल वही लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, जो कि भारत का पहला एक तरह से बंगाल का सबसे लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और पहला भी भारत का जो गवर्नर जनरल रहता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही होता है, इस बात को याद रखेंगे। अकबर का सेनापति कौन था भाई? याद रखेंगे इसी के बल पे तो वो जीतता है, मानसिंह। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है भाई? भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? फटाफट बक दीजिए, अकबर या बाबर। फतेहपुर सिकरी 1571 में बना था भाई, किसने बनवाया था अभी बता दीजिए, किसने बनवाया था बताओ, किसने बनवाया था ये भी आपके ऊपर छोड़ते हैं। तुजुक बाबरी किसकी रचना है? फटाफट बता दीजिए, किसकी रचना है? बाबर की है, किसकी है फटाफट बता दीजिए। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? अभी हमने बताया, फटाफट बक दीजिए, खानवा की लड़ाई कब हुआ था? 17 मई बता दीजिएगा भाई, 1526 की, 1527 की, 1528, अभी हमने सारा लिखा था, फटाफट आप लिखेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? पानीपत की तीन लड़ाई हुई थी, 1526, 1556 और 1761। जो 1761 वाला है ये तीसरी लड़ाई है, जो कि एक तरह से अफगान और मराठों के बीच हुआ था, उसमें मराठे हार गए थे, ठीक है, याद रखेंगे भाई, अफगान और मराठों के बीच हुआ था, जो कि अफगान मराठे हार गए थे। अफगान में अब्दुल शाह कौन था? अहमद शाह अब्दाली था, क्या नाम था? अहमद शाह एक तरह से अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठों के साथ हुआ था, जिसमें मराठों का सफाया हो गया था। इसी समय एक और लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में, बताएंगे कौन सा? वेदरा की लड़ाई, जिसमें फ्रांसीसियों का सफाया कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? शिवाजी के मंत्रिपरिषद में 8 सदस्य थे भाई, याद रखेंगे 8, अष्ट दिग्गज किसके शासनकाल में थे? शिवाजी के थी। शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे भाई? शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे आप खुद बताओ, महाराष्ट्र में, याद है महाराष्ट्र में शिवाजी का शासनकाल था पूरा का पूरा, एक उन पे मूवी भी बनी हुई है आपने देखा होगा। शिवाजी के अष्ट दिग्गज किसके शासनकाल में रहते थे? फटाफट बक दो तो, कौन था जो दक्षिण भारत में शासन करता था ना? शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान का पदनाम बताइए, जो शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान का प्रधान था उसका नाम बताइए फटाफट, पेशवा, उन्हें पेशवा कहा जाता था, है ना। शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? शिवाजी का राज्यारोहण दो बार होता है, 1674 ईस्वी में पहली बार हुआ था। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोरंजन के लिए, या फिर कह लीजिए मनोरंजन के फील्ड से कितने लोग को चयन करते हैं तो बता देंगे भैया, या फिर मनोनीत करते हैं, मनोरंजन के जितने भी फील्ड होते हैं उससे कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, तो बता देंगे 12। धन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है कहाँ, मतलब पारित होकर कहाँ जाता है, तो याद रखेंगे सबसे पहले कहाँ जाता है भैया, वो राज्यसभा में जाता है धन विधेयक। अगर धन विधेयक वहाँ पर जाता है राज्यसभा में कितने दिन के लिए जाता है? 14 दिन के लिए जाता है। अगर वो कोई सलाह मशवरा देते हैं तो ठीक है, अन्यथा कहीं से कुछ भी नहीं बोलेंगे तब वो पारित मान लिया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी बता दीजिए? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला था, याद रखेंगे। इसके बाद नीति आयोग आ जाता है 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हो जाता है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है भाई? पृथ्वी के 3/4 पर जल है कि 1/4 पर जल है, खुद बताओ फटाफट बताओ, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है भाई? बता देंगे 3/4 पर जल है। पृथ्वी का कितना भाग स्थल है? पृथ्वी का कितना भाग स्थल भाई? 1/4 स्थल है, बात खत्म। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? कंगारू भैया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, याद रखेंगे, कंगारुओं के देश के नाम से जाना जाता है ना। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है भाई? अफ्रीका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंगल है, वहाँ पे ऐसी इतनी ज़मीनें हैं, इतनी खनिज हैं, जिसके बारे में पूरे देश को नहीं पता है, याद रखेंगे पूरे विश्व को किसी को नहीं पता है, बहुत सारे खनिज हैं, क्योंकि वहाँ पर विकसित देश मतलब बहुत कम है, विकासशील भी देश बहुत कम है, एक तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही लो है, और वहाँ पे लोग मतलब हमेशा देखते हैं चाइना का जो बेल्ट इनिशिएटिव चल रहा है वो पूरा का पूरा अफ्रीका के लिए ही चल रहा है, वो चाहता है कि अफ्रीका से व्यापार किया जाए, है ना। इसके बाद आ जाता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है भाई? कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है, याद रखेंगे, है ना। 21वीं, 71वीं और 92वीं संविधान संशोधन भाषा से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। भारत के संसद से व्यक्त होता है, भारत के संसद से क्या व्यक्त होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों संसद के अंग हैं, याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कौन ऐसा व्यक्ति है संसद का अंग भी है लेकिन वह राज्यसभा लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, तो बता देंगे राष्ट्रपति। सदस्य बनने योग्य होता है, सदस्य नहीं होता है राज्यसभा लोकसभा का, राष्ट्रपति, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति करते हैं भाई, शपथ वही दिलाते हैं। महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है? महाभियोग 61वें संविधान संशोधन द्वारा किसको हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले उनको
लगभग कितने दिन पहले बताया जाता है, याद रखेंगे 14 दिन पहले उनको बताया जाता है कि भाई आपके ऊपर महाभियोग आया है। ऐसे में अगर राष्ट्रपति अपने पद से पद छोड़ देते हैं तो ठीक है, अन्यथा कंडीशन में जब लगभग 50 उनके पक्ष में होने चाहिए, 50 राज्यसभा से, अगर राज्यसभा में पारित होता है तो 50 राज्यसभा से और 100 लोकसभा से इस पक्ष में होना चाहिए कि हाँ राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वह लगा है। अगर इसको वैलिड मान लिया जाता है अध्यक्ष द्वारा, चाहे राज्यसभा के चाहे लोकसभा के दोनों में पारित होने के बाद ही उनको हटाया जा सकता है, याद रखेंगे भाई। ऐसा भी हुआ नहीं है एक बार भी और होना भी नहीं चाहिए भाई, बहुत बड़ी पद है, क्योंकि वही जब अन्याय करने लगेंगे तो और जनता क्या करेगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गया, महाभियोग हो गया। संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं भाई, संघ सूची सातवें अनुसूची में आता है, सातवें अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची आती है, इस बात को याद रखेंगे। जो संघ सूची है इसमें कितने एक तरह से विषय हैं तो बता देंगे भैया, इसमें 98 विषय हैं। राज सूची में कितने विषय हैं तब बता दीजिए, राज सूची में कितने विषय हैं, राज सूची में 59 विषय हैं, संघ सूची में 98 इस समय फिलहाल में 98 और राज्य सूची में बात करेंगे तो 59 विषय हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, 98 और 59, ठीक है भाई। और समवर्ती सूची में तब इसी लागे बता दीजिए भाई, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती में बता देंगे भाई 59, एक मिनट। संघ सूची में कितने हमने बताया, संघ सूची में 98 हो गया और राज्य सूची की जब बात करेगा साथी तो बता देंगे 59, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में भी 59 है, दोनों में 59 है, याद रखेंगे। इसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, दोनों में इस समय फिलहाल में 59 है, कुछ निकाला गया है इस वजह से हम बता रहे हैं, 98 59 और 59 आपको यही टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है भाई, शिक्षा तो भैया आपको पता है किस सूची में होगा, शिक्षा समवर्ती सूची में ही होगा क्योंकि उस पर राज्य भी वर्क करता है और केंद्र भी वर्क करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो हर एक राज्य में केंद्र का एक तरह से नेतृत्व करते हैं राज्यपाल, वह करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति, याद रखेंगे भाई, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, याद रखेंगे। अगर वो शपथ मतलब कि शपथ लेते हैं, उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हाई कोर्ट के वह करते हैं, हर एक राज्य में होता है। संसद के निम्न सदन को कहते हैं भाई, संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है तो बता देंगे भैया, संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं और इसे लोगों का भी सदन कहते हैं, जनता का भी सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो राज्यसभा है उसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, उसे बूढ़ों का सदन कहते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि उसमें बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि विधानसभा और प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यसभा से जाते हैं, मतलब कि वहाँ के विधानसभा से जाते हैं। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं भैया, लोकसभा कहते हैं। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर भैया, मुंबई स्थित है। अगर बोला जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुआ था स्थापना, 1934 के एक्ट से हुआ था, याद रखेंगे साथी। अगर पूछा जाता है कि आरबीआई का लोगो क्या है, फटाफट बख दीजिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949 में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कोई धन विधेयक है अथवा नहीं यह कौन तय करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं, इस बात को याद रखना है। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं भाई, वही चीज़ है, समवर्ती सूची में 59 विषय शामिल हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, रानीगंज कोयला क्षेत्र साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखेंगे। वही दीदिकागढ़ परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण सबसे बड़ा महत्व कहाँ पर स्थित है बता देंगे भैया, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर, याद रखेंगे, वह परमाणु शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है, है ना। मुंबई हाई क्या है, मुंबई हाई भैया एक तरह से तेल जो आपका निकलता है ना, खनिज वाला तेल, जो एक तरह से वही खनिज तेल क्षेत्र है। और डिगबोई कहाँ पर स्थित है, खनिज तेल क्षेत्र भाई, असम में स्थित है, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भैया बता देंगे फटाफट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है भाई, यह 2017 में पूछा भी गया है, सबके सब प्रश्न पूछे गए, यह बहुत बेहतरीन प्रश्न आ गया, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, ध्यान सुनिए, यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अभी हाल ही में आपको पता है केशव प्रसाद मौर्य जी अभी एक तरह से चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन उन्हें क्या बना दिया गया भैया, आपके सीएम बना दिया गया, उप सीएम, है ना, जो कि सीएम के बाद होते हैं, आपको डिप्टी सीएम वो बना दिया गया उनसे, लेकिन उनको इसी शर्त पे बनाया गया है, 6 महीने पे आप चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में सदस्यता ग्रहण कर लेंगे तभी बने रहेंगे, नहीं तो अन्यथा कंडीशन में हट जाएंगे, ये बात याद रखेंगे। तो 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता अपनी लेने ली पड़ेगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भैया, लो बता दो भैया, प्रथम प्रधानमंत्री भी बता दो आप कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रथम आपके उप प्रधानमंत्री कौन थे, और वही गृह मंत्री भी थे बता दीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगर पूछा जाए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, चलिए बता दीजिए फटाफट। भारत के देखिए जो राजेंद्र प्रसाद जी थे साथी, वह अगर जब तक संसद की कार्रवाई होती थी, चलिए वो बहुत लंबा समय है, आप देख लीजिए पूरा
पूरा वीडियो अगर देख लीजिए, पूरा पॉलिटिक हमने बता रखा है SST के मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी भाई बता दीजिए भाई, प्रथम महिला प्रधानमंत्री और अभी तक वही पहली प्रधानमंत्री, मतलब अभी तक अंतिम भी वही है, लास्ट वही है, इसके बाद अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना महिला में, इंदिरा गांधी, याद रखेंगे भाई। इनको बूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है, याद रखें केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, भैया कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, निगम कर, व्यापार कर, यात्री कर या फिर मनोरंजन कर, तो बता देंगे निगम कर जो होता है यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है इन चारों में से। संघ सूची में कितने विषय हैं भाई, अभी हमने बताया था 98 विषय हैं, है ना, 98 59 59, याद रखेंगे। आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई अपना ट्रक वगैरह लेकर जाता है तो जिस राज्य से होकर जाता है तो वह दोनों राज्यों को एक तरह से शुल्क देता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र का नाम है, भैया मत्स्य पालन के लिए आपको पता है कि जो आपका अटलांटिक महाद्वीप है, अटलांटिक सागर है जो कि एस आकृति का बना हुआ है, और प्लस जो उत्तरी चाइना सी और दक्षिणी चाइना सी, यहाँ पर मत्स्य पालन बहुत ज़्यादा होता है, याद रखेंगे साथ ही। वहीं पर एक तरह से कह लीजिए कि एक पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर गर्म जल और ठंडी, गर्म धाराएँ और ठंडी धाराएँ मिलती हैं, यहाँ पर अटलांटिक महासागर में भी और आपके उत्तरी और उत्तरी और दक्षिणी चाइना सी में भी वहाँ पर मिलती हैं, और वहीं पे खाने योग्य पदार्थ होता है, पनप जाता है, उसको हम लोग प्लैंकटन के नाम से जानते हैं उस पदार्थ को, जो कि मछली का भोजन होता है, इस वजह से उसी क्षेत्र में मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, याद रखेंगे, ठीक है भाई। तो यानी क्या पूछा गया हमसे, मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तरी उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र का नाम क्या है, तो बता देंगे भैया ग्रैंड बैंक नाम से जाना जाता है, ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं, मतलब कि जो विश्व का सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन होता है किस डिग्री के, किस अक्षांश पे होता है, तो बता देंगे भैया वो 40 से 45 डिग्री के अक्षांश पे होता है, 40 से 45 डिग्री, वही तो बताया, मतलब ये 30 है या 0 डिग्री है, तो यहाँ पर 33, यहाँ पर मतलब इस वाले बेल्ट में 40 से 45 वाले बेल्ट में पाया जाता है, तो यहाँ पर चाइना सी और यहाँ पर अटलांटिक सी, ओशियन के आसपास में पाया जाता है, ठीक है ना। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है भाई, है विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है जापान, ठीक है, याद रखेंगे जापान। जापान का आपको बता देते हैं, देखिए होन्सू, होकाइडो, सिकोकू और क्यूसू, ये पांचों, ये चारों के चारों उसके एक तरह से कह लीजिए लाइन द्वीप हैं, मेजर द्वीप हैं, जो कि ये पूरा का बेल्ट के नाम से जाना जाता है, अभी याद आ गया तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, अपारंपरिक बता देंगे कौन सा, पवन ऊर्जा अपारंपरिक है, मतलब किसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, जो ऑप्शन में दिया, जैसे कोयला है, जल विद्युत है, पेट्रोलियम में पवन ऊर्जा भी है, तो पवन ऊर्जा हो गया, जैसे प्रकाश एनर्जी हो गई जो लाइट एनर्जी आता है, यस, विंड एनर्जी हो गया विंड, इसे पवन ऊर्जा के नाम से, जैसे कि ट्रे जो आपका लहर से हम एनर्जी बनाते हैं वो भी हो गया, यह एक तरह से अपारंपरिक है। निम्न में से कौन सा संपूर्ति संसाधन नहीं है, संपूर्ति संसाधन नहीं है, तो बता देंगे भैया कोयला संपूर्ति संसाधन नहीं है, निम्न में से जैसे जल हो गया, जल विद्युत हो गया और प्लस पवन ऊर्जा हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, यह सब संपूर्ति संसाधन है, इसे दोबारा भी हम यूज कर सकते हैं, नष्ट नहीं होगा, लेकिन कोयला नष्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भाई, अभी हमने बताया 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम बताइए, वही सबका पापा, सारे बैंकों का पापा हमने बताया वो भाई, यही टैक्स वगैरह जो भी कम करना होता है, महंगाई बढ़ाना होता है, महंगाई घटाना होता है, है ना, एक तरह से लिक्विड जो आपकी कैश रिजर्व रेशियो होता है, यह सारा का सारा, या जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, है ना, मौद्रिक नीति, यह सब के सब यही तय करता है, बाजार में कितने उत्पादन होंगे, किस कब महंगाई बढ़ानी चाहिए, कब घटाना चाहिए, यह सारा तय यही करता है, रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट, यह सब बढ़ाकर और घटाकर। तो भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है भाई, रिजर्व बैंक करता है। भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है भाई, रिजर्व बैंक करता है, याद रखेंगे। विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है, तो बता देंगे भैया हैदराबाद में स्थापित है। तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है, भैया बता देंगे तारापुर वाला महाराष्ट्र में स्थित है ना। नरोरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे, ठीक है भाई। कुंडाकुलम कहाँ पर है, कुंडाकुलम आ जाता है आपका तमिलनाडु में। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, हमने बता दिया भाई असम में स्थित है, सबसे पुराना तेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष के पदनाम के नाम किस नाम से जाना जाता है, बता देंगे भाई, बताइए, स्पीकर के नाम से जाना जाता है ना, लोकसभा के पद को लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर के नाम से जाना जाता है। लोकसभा, देखिए लोकसभा में अगर राष्ट्रपति भी
बैठे चले जाएं, राष्ट्रपति वैसे नहीं जाएंगे, अगर प्रधानमंत्री भी बैठे हैं तो प्रधानमंत्री का भी उच्च स्तर नहीं होगा उनकी अपेक्षा। हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही अपने सदन का, लोकसभा का सबसे बड़ा मेंबर होता है, ठीक है ना, या उसको ही कहने पर प्रधानमंत्री भी चुप हो जाते हैं। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल के लिए कितनी लोगों का चयन करता था तो बता देंगे, दो करता था, लेकिन अब करता था, लेकिन आज आता है तो आप दो ही लगाएंगे, क्योंकि अभी तक जो आपका यह बुक बना है दो ही को मान्यता देता है, लेकिन अब खत्म हो गया 105वें संविधान संशोधन द्वारा, हाल ही में 2-3 महीने पहले उसे खत्म कर दिया गया। भारत में कार्यपालिका के लिए निहित कौन बने, राष्ट्रपति होता है, और क्या कार्यपालिका के लिए, कार्यपालिका ना तो बता देंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये पूरा और प्लस राष्ट्रपति भी आ जाते हैं कार्यपालिका में, ये सब के सब मिलकर बनाते हैं, पूरा मंत्रिमंडल होता है उसमें प्रधानमंत्री वगैरह भी होते हैं प्लस आपके राष्ट्रपति मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं, याद रखेंगे साथ ही। भारत का क्या बोला गया है इसमें, देखिए इरेज हो गया है ना, इसमें इरेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दो सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग है, दो सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग और है राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर याद रखेंगे साथ ही, कौन सा है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट कर होता है उसे बोलते हैं, उसको आयकर, आयकर जो होता है प्रत्यक्ष कर के रूप में आता है। अप्रत्यक्ष कर जैसे GST है या अप्रत्यक्ष कर है ना। निम्नलिखित में से कौन हो गया, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया, अभी देखिए बार बार पूछ रहा है प्रश्न, तो याद रखेंगे समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं 59, संघ सूची में 98 और राज्य सूची में 59 याद रखेंगे। बाबरनामा, बाबर द्वारा लिखित एक क्या है, बाबरनामा जो बाबर द्वारा लिखा गया है आत्मकथा, उनके बारे में ही लिखा गया है, याद रखेंगे। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया, यह बात किसने बोला था, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे, किस युद्ध में कहे थे शेरशाह ने, बता देंगे मालदेव के युद्ध में, जो मालदेव का युद्ध था उस युद्ध में इन्होंने कहा था। इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था, इबादत खाना का निर्माण भैया अकबर ने कराया था। मराठों का सर्वाधिक उत्थान कब हुआ था, मराठों का सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था, भाई पता है कि नहीं, बहुत भयंकर लड़ाई लड़े थे शिवाजी, इनकी जो लड़ाई की नीति थी है ना, छुप जाना, मारकर छुप जाना पहाड़ों में, इस तरह से इनकी नीति बहुत अच्छी थी। विलय नीति का संबंध किससे है, विलय नीति का संबंध याद रखेंगे डलहौजी से है, सतारा 1948 में, इस तरह से झांसी 1953 में, 1956 में, इस तरह से सबको अपने में मिलाता चला गया है ना, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है, लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति की पदच्युत करना, ना भाई लोकसभा के सदस्यों को तो चुन सकते हैं लेकिन पदच्युत नहीं कर सकते, मतलब पद से नहीं हटा सकते, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा तब तक हटा नहीं सकते। भारत का प्रथम नागरिक होता है, भाई वही सर्वोच्च बैठे हुए हैं, लोकसभा के जितने मेंबर हैं है ना, लोकसभा के जो मेंबर हैं साथी सदस्य हैं वही तो मंत्री हैं, वही तो असली भारत के कर्ता धरता है ना, याद रखेंगे। राष्ट्रपति तो सिर्फ एक तरह से मानक हैं, मतलब सामने उनको रख कर सारे काम किए जाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, और दूसरा नागरिक भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है, याद रखेंगे भाई। अगर प्रथम महिला बोला जाए, भारत की प्रथम महिला के रूप में किसे जाना जाता है, राष्ट्रपति की पत्नी को जाना जाता है, याद रखेंगे। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, क्यों क्यों अंधेरा हो जाता है भाई, क्योंकि 2400 घंटे वहाँ पर क्या होता है, मतलब 2400 घंटे भैया अंधेरा रहता है, क्योंकि सन की रोशनी पड़ती नहीं है, सन की रोशनी बता देंगे केवल और केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही ट्रेवल करता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे आ जाते हैं अबीर गुलाल में उड़ता हुआ, अच्छा हाँ पूछा गया, अबीर गुलाल जो होता है उसमें उड़ता हुआ हल्का रंग पदार्थ है किसका बना होता है, उसमें हल्का रंग जो होता है साथ ही उसमें अभ्रक मिला होता है, अभ्रक के कारण ही देखते हैं थोड़ा सा चूर चूर लगता है, और वही बहुत ही फायदा करता है, जिसको रगड़ेंगे तो धसता है, शीशे का बना होता है लगभग। कर्नाटक में कैगा में स्थित है, कर्नाटक कैगा भैया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि कर्नाटक में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे, जिस प्रकार से नरोरा यूपी में है और तारापुर महाराष्ट्र में है, कुंडकुलम तमिलनाडु में है, इस तरह से याद रखेंगे। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी, भैया भारत में डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी, सन 1866 में, उसी समय टेलीफोन भी आया था लगभग 1863 के आसपास में, याद रखेंगे। उसी समय आपका अच्छा ट्रेन कब आया था, 1853 में आया था ना, ये बात याद रखेंगे। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले WWW का विस्तारित रूप क्या है, वाइड वेव, क्या नाम भैया, वर्ल्ड वाइड वेव है ना, वर्ल्ड वाइड वेव। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं तो हुआ था भैया शेरशाह सूरी इनको पटक पटक के मारा था, याद रखेंगे भाई है ना। ठीक है ना, रेंच कहते हैं, भाई रेंच किसे कहते हैं, थोड़ा सा अलग सा, पशुओं के बाड़े को शायद रेंच कहते हैं, पशुओं का जो बाड़ा होता है उसे रेंच कहा जाता है। एक मिनट रुकना थोड़ा, तो क्या दिक्कत आ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, रेंज किसे कहते हैं? पशुओं के बाड़े को रेंज कहते हैं। भैया हम 133 प्रश्न पे आ गए, देखते चलो, आप लोग सुनते चलो बस भाई। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, वित्त विधेयक याद रखें केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा द्वारा ही वित्त विधेयक उसको एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है, और धन विधेयक के रूप में अगर पूछा जाए, धन विधेयक को किसने किस कौन कौन व्यक्ति धन विधेयक बोलता है, किसके कहने पर धन विधेयक मान लिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को, लेकिन उसको 14 दिन के लिए 14 दिन की अनुशंसा पर राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर वो अपनी अनुशंसा देते हैं, सलाह देते हैं, लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है लोकसभा माने या ना माने, है ना। संसद से तात्पर्य है, संसद से क्या तात्पर्य है बता देंगे, संसद से ये प्रश्न कुछ अलग है भाई, ये प्रश्न अलग है, संसद से तात्पर्य बोला हुआ है, उसने ऑप्शन दे दिया लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा तथा राज्यसभा, ये संसद से जब तात्पर्य बोला तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री ही लगाना है आपको। अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे भैया, अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार तानसेन जी थे, याद रखेंगे भाई, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था बता देना चाहता, तो 1602 तक, 1604 तक था ना। पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, पानीपत कौन से पानीपत का लड़ाई भाई, इसमें तीनों ऑप्शन दे देता हूँ, पानीपत पहला, दूसरा, तीसरा, कौन से पानीपत की लड़ाई, तो पानीपत पहला इसका मतलब होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का लास्ट शासक होता है, याद रखेंगे, लोदी वंश का जड़ से उखाड़ के फेंकना किसका काम था, बाबर का काम था 1526 में, उसी समय मुगलिया वंश का स्थापना होता है यानी मुगल वंश का, लेकिन बाबर का पहली लड़ाई अगर पूछा जाए कब हुआ था भारत में, 1519 में, याद रखना 1526 मत बता गया ना, 1519 बताना भाई, भारमेर का किला, हाँ याद आ गया, भारमेर का किला वो जीतते हैं 1519 में, सिराजुद दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध था भैया, देखिए 1757 और 1764 दो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, एक लड़ा गया था साथी सिराजुद दौला और क्लाइव के बीच में लड़ा गया था, सिराजुद दौला और क्लाइव के बीच में जो लड़ाई लड़ा गया था साथी उसे हम प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं, प्लासी की लड़ाई याद रखें कब लड़ा गया था, 1757 में लड़ा गया था, सिराजुद दौला और सिराजुद दौला का जो सेनापति रहता है मीर कासिम की एक तरह से धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को, और प्लासी कहाँ पे पड़ जाता है आपका, प्लासी पड़ता है उड़ीसा वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में क्लाइव जो है इनको भगा के ले जाता है और वहाँ पर कुछ दूर ले जाता है, इतनी दूर कि वह चाह कर भी अपने सेना को ना बुला पाएं, जब सेना आने भी लगे तो कम से कम बहुत लेट हो जाए तब तक उसको हम मार दें, इस तरह से उनको मार दिया गया था, है ना, सिराजुद्दौला का और कोई कहानी नहीं था। और इसके बाद जो लड़ा गया बक्सर की लड़ाई यह सिद्ध कर देता है साथी कि भारत में किसका सत्ता हो गया, पूरी की पूरी रूप से जकड़ लिया गया अंग्रेजों द्वारा, 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, 1765 में इलाहाबाद की संधि भी होती है, यह एक तरह से कह लीजिए मीर जाफर होता है, मीर जाफर के साथ और प्लस जो बंगाल के नवाब होते हैं और भारत के जो इस समय मुगलिया वंश होता है उसके साथ लड़ा गया था, बाद में इलाहाबाद वाला क्षेत्र या कुल मतलब बनारस वाला क्षेत्र पूरा का पूरा इनको मतलब एक तरह से किसके हाथ में आ जाता है, हमारे अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है, उस समय फिर से कौन सत्ता पे आ जाता है, कह लीजिए कि वही मीर कासिम को फिर से सत्ता पे बैठा दिया जाता है। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया था, सहायक संधि किसके समय आया था, लॉर्ड वेलजली के समय आया था सहायक संधि, याद रखेंगे साथी सहायक संधि। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पे थे, गिर वन में आपको पता है कि साथी एक तरह से अफ्रीका से टूटा वाला टूट कर जो क्षेत्र आया हुआ है गुजरात का, गुजरात ही समुद्र से सबसे बड़ा क्षेत्र लगता है भारत का, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा क्षेत्र 1600 किलोमीटर के आसपास में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत का यहाँ पर स्थित है ना, ऐसे बनता है भारत का मैप, यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग तो इस प्रकार से ऐसे है ना, तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है समुद्र से लगता है कितना किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला समुद्र से भारत का कौन सा राज्य है, तो गुजरात है, इसी जगह गिर वन स्थित है याद रखेंगे ठीक है। रबड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, रबड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, सदाबहार वन में पाया जाता है। चिपको आंदोलन संबंधित है भाई, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वनों की रक्षा से संबंधित है आपको याद रखेंगे। केंद्र सूची का विषय नहीं है भाई, केंद्र सूची का विषय क्या नहीं है, रेलवे है, बैंक है, विदेशी मामले हैं, शिक्षा नहीं है, शिक्षा तो समृद्धि सूची का विषय है। राज्यसभा की सदस्यों के उम्मीदवार की आयु कितनी होती है, राज्यसभा के सदस्यों की जो आयु होती है 25 वर्ष होती है मिनिमम, सॉरी 30 वर्ष होता है। देखिए हम आपको बता देते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्यों की आयु होती है वह 30 साल होती है याद रखेंगे। इसके बाद लोकसभा विधानसभा हमारे कह लीजिए कि हाँ इन दोनों की आयु कितनी होती है, इस पे सदस्यों की आयु 25 वर्ष कम से कम होता है, न्यूनतम 25 वर्ष याद रखेंगे। इसके बाद साथ ही जो राष्ट्रपति होते हैं और जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनकी और प्लस राज्यपाल होते हैं और इन तीनों की आयु कितनी होती है, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और हमारे
मुख्यमंत्री होते हैं, इनकी कम से कम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। अगर पूछा जाए इन दोनों की मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आयु कुछ भी हो सकता है दोनों लोगों की। और इन तीनों लोग की मैक्सिमम आयु पूछा जाए तो मैक्सिमम आयु कुछ भी हो सकता है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में सदस्यों की मिनिमम आयु तो पूछा जाता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सब की मिनिमम आयु तो पूछी जाती है, कुछ ना कुछ है, लेकिन मैक्सिमम आयु किसी का तय नहीं है, याद रखना। यह लोग चाहें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग चाहें मंत्रिमंडल चाहे तो कितनी बार ही चुनाव लड़के आ सकती है बढ़ोतरी तक। 500 साल तक जीवित रहे तो 500 साल तक बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था, यह बात याद रखेंगे भाई। निम्न में से कौन सा थोड़ा गलत है? सहारा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। थार मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है क्या? नहीं, थार मरुस्थल तो भारत में पाया जाता है, नहीं यही गलत है। सोनोरम मरुस्थल ये कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, यह भी सत्य है। महान विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, याद रखेंगे। महान विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थल है भाई, ग्रेट विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया में है, इसके बाद विप्सन भी ऑस्ट्रेलिया में है, इसके बाद कई सारे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में पारित हुआ था, याद रखेंगे भाई। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था भाई। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला का दृश्य का स्वर काल कहा जाता है? वास्तुकला के दृश्य से स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? औरंगजेब, सॉरी, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है स्वर्ण युग जो कलाकृति या फिर चित्र या फिर गाने बजाने का कलाकृति, मतलब किसके युग को कहा जाता है, तो बता देंगे अकबर के समय को कहा जाता है, ठीक है ना। स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला कुछ भी पूछे तो हम लगाएंगे शाहजहां। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थापित करी थी? बता देंगे भैया देवगिरी, जो दौलताबाद है वहां पर करा था। कार्ल्स मार्क्स कहां का निवासी था? कार्ल्स मार्क्स भैया कहां का निवासी था? जर्मनी का निवासी था, याद रखेंगे। जर्मनी का कैपिटल क्या है बता दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी भैया? 11 नवंबर 1918 में हुआ था, याद रखेंगे भाई। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु बता दिया गया भाई, कितनी कम से कम होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थित है, याद रखेंगे। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ पड़ता है बता दीजिए फटाफट। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था, याद रखेंगे। जैसे कि अगर बोला जाए जर्मनी है, प्लस इटली है, प्लस जापान है, यह सब धुरी राष्ट्र में थे, है ना। जापान हो गया और कोरिया वाला क्षेत्र हो गया, ये सब धुरी राष्ट्र में थे। लेकिन अब पूछा जाए मित्र राष्ट्र में कौन थे, तो अंग्रेज थे, मतलब ये इंग्लैंड था पूरा का पूरा, और प्लस आपका रूस था, प्लस अमेरिका था, यह सब मित्र राष्ट्र में आ जाते थे, याद रखेंगे भाई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को जाना जाता है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। लेकिन बोला जाता है भारत में किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, तो 1967 से 1966 के बीच स्टार्ट होता है, ठीक है ना। विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन देश के नाम से हम जापान को जानते हैं, याद रखेंगे। इसे सूर्योदय का देश भी कहते हैं। कपास का रेशा पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? कपास का जो रेशा होता है पौधे के फल से प्राप्त होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था भैया? शेर शाह सूरी द्वारा हुआ था, याद रखेंगे। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था, हाँ भैया ये तो बोला गया। स्थापत्य कला शाहजहां के समय हुआ था, और मुगल काल में चित्रकला का काल किसे कहा जाता था, तो बता देंगे जहांगीर के शासनकाल को, जहांगीर और शाहजहां, अकबर बोल दिया था ना, जहांगीर याद रखिएगा। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितनी युद्ध लड़ी गई थी? अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का 3 लड़ाई लड़ी गई थी भाई, बता देंगे कौन कौन सी। लास्ट में देवरा की लड़ाई में हरा कर पूरा भेज दिया जाता है, भागो भाई, सब कुछ बताया गया है, आप आकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संस्थापक था, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे कौन था भाई? क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। एक बार 1757 में चला जाता है, फिर से इसे 1764 में फिर बुलाया जाता है बक्सर की लड़ाई के लिए। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक क्लाइव था। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? बता देंगे भैया उत्तरी अमेरिका है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत स्रोत जो होता है शक्ति का, सौर ऊर्जा हो गया, टाइड एनर्जी जो पानी से विद्युत एनर्जी हम निकालते हैं, प्लस आपका पवन एनर्जी हो गया, यह सब क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है, मतलब नवीन ऊर्जा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ कब हुआ था? ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ हुआ था 2014 में भाई, याद रखेंगे। न्यायपालिका का कार्य नहीं है, न्यायपालिका का क्या कार्य नहीं है? संविधान की रक्षा करना बिल्कुल है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना बिल्कुल है, संविधान अनुच्छेद नंबर 32 के थ्रू। इसके बाद कानूनों की क्रियान्वित करना, भाई कानून बनाने का काम इनका नहीं है, सिर्फ लागू करवाने का काम है, मनवाने का काम है, नहीं मानेगा कोई उसको सजा देंगे। लागू मतलब कानून बनाने का काम भैया कार्यपालिका का होता है, याद रखेंगे। न्यायपालिका पुनरावलोकन करना यह भी इनका कार्य है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश
को किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से प्राप्त होती है। भैया उच्चतम न्यायालय किसी भी न्यायाधीश को अगर महाभियोग प्रक्रिया से हटाना है तो उसकी शक्ति जो होती है संसद के पास होती है, संसद चाहेगी तो हटा देगी। संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है, संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है या द्वितीय सदन। राष्ट्रपति के पद के नामांकन के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत होती है, राष्ट्रपति के पद के नामांकन के लिए 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होने चाहिए। और राज्यपाल के लिए उपराष्ट्रपति के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए, याद रखना है। राज्यपाल के लिए नहीं, उपराष्ट्रपति के लिए 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक और राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है, तभी जाके बन सकता है कोई। देश का सबसे बड़ा जो आता है वह सबसे बड़ा एक तरह से भाड़ा कहाँ से मिलता है, पैसे वगैरह कहाँ से आते हैं, तो बता देंगे रेलवे से आता है। ये सारा का सारा रहा आपको हमने बता दिया, 173 प्रश्न में आपको करा दिया, बताओ। इसके बाद कल अति लघुतरी आएगा, ऐसे ही सारे सेशन आपके चलेंगे, दो दिन में हम ये पूरा का पूरा SST का पूरा भरमार आपको दे देंगे। ऐसे ही पढ़िए, मस्त तरीके से रिवाइज करिए, आपका सारा एग्जाम निकलेगा मस्त तरीके से निकलेगा। यह पूरा का पूरा सेशन आपको ग्रुप डी में भी फॉलो करेगा, अनेक एग्जाम में फॉलो करेगा भाई, यह सारे सेशन आपके GK से रिलेटेड है, खुद बताइए आप। नमस्कार, सेशन को जरूर शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा, अन्य मित्रों को जरूर बताइएगा। धन्यवाद।